श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कभी कभी हमारे पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं। पैर का सुन्न होना हम में से लगभग सभी ने कभी न कभी जरूर अनुभव किया होगा। पैर का सुन्न होना बड़ा ही कष्टदायक होता है, क्योंकि ऐसे फिर आपका मन नहीं लगता गया। लेकिन क्या आप पैर के सोने का असली कारण जानते हैं? अगर नहीं तो फिर ये वीडियो हमारा आपके काम के लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि पेरिस्थेनिया में पैरों के सोने से उसमें भारी सुस्त झुनझुनाहट और अजीब सी पिन या सुई चुभने जैसा महसूस होता है। ऐसा पैरों में पर्याप्त रूप से ब्लड के न पहुंचने के कारण होता है। वास्तव में आपके पैर तंत्रिकाओं के कारण होते हैं, नर्व्स के कारण। नर्व्स आपके शरीर में चलने वाले छोटे तारों की तरह होते हैं। नर्व्स आगे और पीछे आपके ब्रेन और शरीर के कई हिस्सों के बीच संदेश ले जाने का काम करते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए अपने पैर के सहारे बैठते हैं तो उस हिस्से का नर्व्स पर दबाव पड़ता है। ऐसा शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है। लोग समय समय पर पैर, हाथ और बाजू ऐसा अनुभव करते हैं, यानी शरीर का कोई अंग यदि किसी दबाव में ज्यादा देर तक रहता है तो सुन्न हो जाता है। वस्तुतः वह दबाव हाथ या पैर के नर्व्स पर पड़ता है। ये नर्व्स कोशिकीय फाइबर से बनी होती है और प्रत्येक एक कोशिकीय फाइबर अलग अलग संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। इन फाइबरों की मोटाई भी कम ज्यादा होती है। इसका कारण माइलिन नामक श्वेत रंग के पदार्थ द्वारा बनाई गई झिल्ली है। इन पर दबाव पड़ने से ब्रेन तक नसों द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और रक्त का संचरण नहीं हो पाता है और ब्रेन तक उस अंग के बारे में पहुंचने वाली जानकारी रक्त और ऑक्सीजन के अभाव में अवरुद्ध हो जाती है। इस कारण वहां संवेदना महसूस नहीं हो पाती और वह अंग सो जाता है। जब उस अंग का दबाव हट जाता है तो रक्त और ऑक्सीजन का संचरण नियमित हो जाने से पुनः संवेदनशील हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इन भावनाओं का अनुभव होता है और ये पूरी तरह से सामान्य है। इससे आपके शरीर को चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन यकीनन कुछ समय के लिए आपको अजीब सा महसूस हो सकता है, जब तक कि आपका ब्रेन और शरीर दोबारा बातचीत आपस में शुरू नहीं कर देता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।